नमस्ते फ्रेंड, सरल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज अपन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नई शिक्षा नीति में 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इससे पहले यह शिक्षा 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी और 1992 में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। यानी कि लगभग 34 साल बाद देश में एक नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बुधवार को मंजूरी दे दी। नई शिक्षा नीति में स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख बातें हैं, जैसे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाने लगेंगे। इसके अलावा जीडीपी का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य बनाया गया है, जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 आयु के वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इसके अलावा 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इसके इच्छुक छात्रों को 6 क्लास के बाद से ही एक इंटर्नशिप कराई जाएगी। इसके अलावा म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इन्हें पाठ्यक्रम में भी लागू किया जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर। सिंगल रेगुलेटर कहने का मतलब ये है कि अब UGC और AICTE समाप्त कर दिए जाएंगे और पूरे उच्च शिक्षा के लिए एक नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जी हाँ, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य है। पहली बार मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आज की व्यवस्था में यदि कोई बच्चा इंजीनियरिंग करता है और लगभग 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ सकता या फिर नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम के एक साल, देखना आप, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ने के बाद डिप्लोमा डिग्री और 3 साल पढ़ने के बाद उन्हें डिग्री मिल जाएगी। इससे उन छात्रों को बहुत फायदा होगा जिनकी पढ़ाई बीच में ही किसी वजह से छूट जाती है। उच्च शिक्षा में कई बदलाव किए गए हैं। जो छात्र रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम होगा और जो नौकरी करना चाहते हैं वो 3 साल का ही डिग्री प्रोग्राम करेंगे। लेकिन जो रिसर्च में जाना चाहते हैं वो 1 साल के MA के साथ 4 साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे PhD कर सकते हैं, उन्हें MPhil की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा शोध करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। NRF का प्रमुख उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा। जी हाँ, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा क्या होगा, शासित होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को फीस चार्ज करने के मामले में और पारदर्शिता दिखलानी होगी। इसके अलावा ई पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे, वर्चुअल लैब विकसित की जाएंगी और राष्ट्रीय शैक्षणिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जाएगा या फिर बनाया जा रहा है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।